ये इधर मैंने दबाया, इधर ये आ गया, जो कि सेगमेंट में आपको यही ऑफर करती है। ओ भाई स्पेस देखो इसमें। भाई इसमें क्लच आपको नहीं दिख रहा होगा, जबकि ये मैनुअल वाली गाड़ी है। यहाँ पर कंपनी ने छोटी सी कॉस्ट कटिंग कर ली। ये है किया सेल्टॉस और ये इसका STX वेरिएंट है। यदि आप अपने लिए एक प्रीमियम SUV सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस कार का डिटेल्ड वॉक अराउंड करने वाले हैं और जानते हैं कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या ये लेनी चाहिए या फिर नहीं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। सेल्टॉस में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। ये इसका आइकॉनिक ग्रीन कलर है और ग्रीन थोड़ा सा मैच कर रहा है। भाई ये कार जो है मुझे पर्सनली इस कलर में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और हटके लग रही है। सेगमेंट में मार्केट में सबसे हटके कलर है भाई इसका। नई सेल्टॉस के साथ में कंपनी इस तरीके की चाबी ऑफर करती है। ये देखिएगा किया की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पर चार फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक होल्ड एंड ये बूट ओपन करने के लिए। यहाँ पर ये इसकी फिजिकल की भी मिल जाती है, यहाँ पर ये बटन दिया गया है। अच्छी बात ये है कि दोनों चाबियों में हमें रिमोट मिल जाते हैं। ये देखिएगा लॉक, लॉक करते ही इसके ORVM फोल्ड हो जाते हैं, अनलॉक करते ही ORVM अनफोल्ड, होल्ड स्टार्ट करने के लिए। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसकी लेंथ है 4365 mm की, वेथ है 1800 mm की, इसकी हाइट है 1645 mm की। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलता है और इसका व्हील बेस है 2610 mm का। फ्रंट से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है, सेंटर में किया का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर ये देखिएगा कनेक्टेड क्रोम दी गई है, इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। फुल LED हेड एंड सेटअप दिया गया है, ये देखिएगा, एंड फॉग लाइट LED में दी गई है। साइड टर्न इंडिकेटर LED में मिलते हैं, DRL भी हाफ कनेक्टेड मिलते हैं, कुछ इस तरीके का लुक इसको दे रहे हैं। पियानो ब्लैक में रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग सेंसर 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, रेडिएटर ग्रिल, फ्रंट स्किड प्लेट, फ्रंट बम्पर, सभी लाइट जल जाती हैं, कुछ इस तरीके का इसको लुक देती हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और ऑटो अनफोल्ड के साथ में ORVM मिलता है। यहाँ पर ये साइड टर्न इंडिकेटर। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इसमें फ्रंट में MacPherson स्टड विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। 17 इंचेस के इसमें अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। सेंटर में किया का लोगो मिल जाता है। JK कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर इसमें ऑफर किए गए हैं एंड इसकी प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 215/60R17। फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है एंड ग्रिप्स को जिस तरीके की मिल जाती हैं। फेंडर पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये रफ पार्ट दिया गया है एंड बिल्ड क्वालिटी यार ये कैसी है। ये रहा इसका ORVM। डोर हैंडल ये क्रोम में दिए गए हैं। यहाँ पर ये बेडिंग देखिएगा, क्रोम में दी गई है। रूफ रेल्स, इसमें पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की गई है। शार्क फिन एंटीना ये देखिएगा, क्रोम में डोर हैंडल, डोर क्लैडिंग। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। लेफ्ट साइड में फ्यूल लिड दिया गया है। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने कपल टॉर्सन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिए हैं एंड रियर में भी सेम प्रोफाइल है, 17 इंचेस के अलॉय व्हील हैं। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पर डायमंड कट मिल जाएंगे, इसमें ये नॉर्मल वाले हैं। वही सबको सेम है, JK कंपनी ट्यूबलेस टायर एंड प्रोफाइल है 215/60R17 एंड रियर में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है भाई, ये देखो इसका जो रोटर यानी कि डिस्क दिया गया है वो छोटी है, फ्रंट वाली बड़ी दी गई है। यहाँ पर कंपनी ने छोटी सी कॉस्ट कटिंग कर ली। अच्छी बात यह है कि रियर में भी डिस्क है। रियर से प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरीके की है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है। ये देखिएगा स्पॉइलर मिल जाता है अपन को, किया कनेक्ट का इसमें फीचर मिलता है। रियर विंडशील्ड पर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है, किया की ब्रांडिंग है। ये देखिएगा हाफ कनेक्टेड इसमें टेल लाइट मिलती है, जो कि LED सेटअप के साथ में है। IMT की ब्रांडिंग है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सेल्टॉस की ब्रांडिंग है। रियर में यहाँ पर एक कैमरा दिया गया है इस वाले वेरिएंट में। रियर स्किड प्लेट, रियर बम्पर का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, 1, 2, 3, 4। इसमें पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, इधर ये रिवर्स लाइट एंड ये देखिएगा रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। आइए अब इसका इंटीरियर देख लेते हैं। इधर ये देखिएगा ड्राइवर जो डोर है, इधर ये कीलेस एंट्री मिल जाती है, चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है।
एंड इसमें इंटीरियर डुअल टोन में दिया गया है। इधर ये क्रीम कलर, ब्लैक कलर, इधर ये रफ ब्लैक है, इधर ये पियानो ब्लैक है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है भाई। ये देखो लीवर्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं। इधर ये ट्विटर दिया गया है, सभी फंक्शनल बटन यहाँ पर दिए गए हैं, विंडोज़ वाले, वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम। इधर ये ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच, इधर ये मिल जाता है। इधर ये देखिए बोतल होल्डर दिया गया है, कोई भी अम्ब्रेला होल्डर नहीं है। इधर ये स्पीकर, सेल्टॉस इसका प्लेट एंड ड्राइवर साइड से इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। एंड जो सीट्स इसमें दी गई हैं वो लेदरेट दी गई हैं, वाइट कलर की सीट है। तो इसका जो केबिन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है भाई, कलर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड ड्राइवर वाली सीट हाइट एडजस्ट के साथ में है, रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। फील्ड कैप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से ये बोनट ओपन करने के लिए। भाई इसमें क्लच आपको नहीं दिख रहा होगा, जबकि ये मैनुअल वाली गाड़ी है, इसमें IMT वेरिएंट है ये, इस वजह से इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इधर ये ब्रेक, एक्सीलेटर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, राइट साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट। ये देखिएगा ये क्या है बताओ फटाफट से, ये है हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए, ऊपर नीचे होती है इससे। ये देखिएगा एसी वेंट। स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ जिस तरीके का है, सेंटर में किया की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल सिस्टम। इधर ये लेफ्ट साइड में वाइपर कंट्रोल लीवर, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर दिया गया है। और मैं बटन को प्रेस करता हूँ, इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं जिसको अपन यहाँ से देख सकते हैं। भाई इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, अवश्य होगा अवश्य। यूरिया लेवल ये देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं भाई। एंड ये रहा इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हैं कि यह कनेक्ट का फीचर है। इसको मैंने चलाया, सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ फील किया कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और इसमें कलर जो है काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं अपन को। मैप इसमें इनबिल्ट मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपन को इसमें मिल जाती हैं। डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरीके का है, काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड दिया गया है। ये को ड्राइवर साइड डोर, इधर ये ग्रैब हैंडल, सनसेड, वैनिटी मिरर, यहाँ पर ये लाइट दी गई हैं जो कि LED में है। ये देखिएगा सनग्लास होल्डर, ये रहा इसका IRBM जो कि ऑटो डिमिंग के साथ में है, SOS, ये टो वाला, ये किया कनेक्ट का फीचर। ये देखिएगा इधर ये टिकट होल्डर है केवल और कुछ नहीं है। इधर ये देखो भाई AC वेंट दिया गया है, इधर ये देखो ग्लव बॉक्स दिया गया है, दो AC वेंट इधर ये दिए गए हैं, हज़ार लाइट बटन दिया गया है। इधर ये पूरा का पूरा AC यूनिट दिया गया है, ऑटोमेटिक है या फिर नहीं, ऑटो है जी हाँ, ये देखो ठीक है। एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, डुअल जोन ऑटो इसमें दिया गया है, यहाँ पर ये फ़ोन ऑन रखने के लिए स्पेस। इधर ये 12 वोल्ट 120 वाट USB टाइप सी, ये ग्रैब, इधर ये फ़ोन ऑन रखने के लिए स्पेस। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स है, यार इसकी सेटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त है यार। ओ ये है रिवर्स, थोड़ा स्मूथ है यार। यहाँ से ये व्यू, रियर व्यू देखने के लिए पार्किंग, चलो व्यू दिखाता हूँ आपको। एक बार दबाया, एक बार और दबाया, ये हो गया एक्टिवेट। व्यू मैंने दबाया, ये देखो बिल्कुल भी लैग नहीं है भाई, ठीक है। ये देखो इंस्टेंट, ये इधर मैंने दबाया, इधर ये आ गया, ठीक है। और इसको अपन दो तरीके से देख सकते हैं, ऐसे और ऐसे, बिल्कुल ओके ओके वाले पैटर्न में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें पैनारोमिक सनरूफ दी गई है, वन टच में ये कर्टेन ओपन हो गया। एंड इसकी क्वालिटी ठीक लग रही है, ये क्या हो गया, मैंने उसमें हाथ लगा दिया था तो उसने सोचा कुछ आ गया, सेंस कर लिया, वो पीछे पूरा चला गया और ये इतना ओपन हो गया, और जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा, ये कर्टेन निकल आया। ये देखिएगा इसको मैं बंद कर देता हूँ, वन टच में ये बंद, ये आया, अब ये रुक गया, अब ये बंद होगा और उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ के अलग मजे हैं भाई। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई मुझसे पूछ लिया जाए कि भाई अंदर बैठे हो तो कैसा फील कर रहे हो, चलो मैं बता देता हूँ आपके कमेंट करने से पहले।
आपके एक एक सवाल का ध्यान रखता हूँ, कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं भाई। आपके भाई को अब एक्सपीरियंस हो गया है काफ़ी अच्छा खासा, 4-5 साल का, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं अंदर आके बैठा, इसकी सीट जो है हाइट एडजस्टमेंट के साथ में, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है। और इसमें जो डुअल टोन दिया गया है उसकी वजह से इंटीरियर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा फील होता है एंड काफ़ी ज़्यादा रिच ये फील कराता है। नो डाउट किया कि जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, सीट मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। चलिए, फर्स्ट रो दिखाने के बाद में अब चलते हैं पीछे, मैं आपको सेकंड रो दिखाता हूँ, फिर टेलगेट ओपन करके ब्लू डिस्प्ले दिखाऊंगा, फिर इंजन की बात करेंगे। चले भाई, ये आ गए अपन अंदर सेकंड रो में। ये देखो किया की एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कितने बार कहूँ, बार बार देखूँगा, बार बार कहूँगा, ये सन ब्लाइंड अदर कंपनी को भी देना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए किया से, ठीक है। ये डुअल टोन मिल जाता है, ये इधर इतना स्पेस, सेल्टोस की ब्रांडिंग, ये रही इसकी सीट, लाइट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन गंदा कितनी जल्दी होगा वो तो देखना पड़ेगा। कोई है इसके बारे में जानने वाला, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे भाई, जो भी हो प्लीज़, जिससे हमारी जनता और भी अच्छे से समझ पाए। ये देखो ड्राइवर वाली सीट जो है काफ़ी पीछे है और नीरूम इसमें काफ़ी अच्छा है। इधर ये क्या बोलते हैं, मैगजीन होल्डर। इधर ये देखो स्मार्ट प्योर एयर प्योरीफायर मिलता है वायरस प्रोटेक्शन के साथ में, जो कि सेगमेंट में आपको यही ऑफर करती है। ये देखिएगा दो एसी वेंट, यहाँ पर दो टाइप सी पोर्ट, इधर ये फोन रखने के लिए स्पेस। ये देखो भाई, यहाँ पे तो सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं एंड रियर में भी 3 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। इधर ये आर्मरेस्ट मिल जाता है, 3 सीट बेल्ट हैं एंड 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है, राइट वाली 40, लेफ्ट वाली 60। चलो, इसमें ये पार्सल ट्रे है, अब इसका टेलगेट ओपन करते हैं। टेलगेट ओपन करने के लिए यहाँ पर ये बटन, और ये हो गया ओपन। ओ भाई, स्पेस देखो इसमें 433 लीटर का बूट स्पेस है इसमें, और ये ऑन नहीं हुई, यहाँ पर ये लाइट दी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिएगा एक हुक दिया गया है एंड ये देखो स्पेयर व्हील जो कि 16 इंचेस का है, गुड सीयर का टायर है, अच्छी क्वालिटी का टायर दिया गया है। और देखो अब हो गई ये ऑन, लगता है थोड़ी देर में सेंस कर पाई। बिल्ड क्वालिटी तो भाई देखो, एक एक चीज़ को ध्यान से देखो, बहुत ही प्रीमियम कंपनी ने रखी है। इसको देखने के बाद लगता है कि भाई जो भी इसको लेगा उसका पैसा वसूली होने वाला है। ये देखो एक एक चीज़ बड़ी ही डिटेलिंग है इसकी, अल्टीमेट। एंड इधर भी ये स्पेस अपन को मिल जाता है। इंजन को देखने के लिए हमें इसका हुड यानी कि बोनट ओपन करना होगा, ये बोलेरो जैसा दे दिया इन्होंने भाई। ये रहा किया सेल्टोस का नया वाला इंजन, BS6 फेज 2 वाला डीजल इंजन है, CRDI 16V 1.5 लीटर। इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट है 1493 cc, इसकी मैक्सिमम पावर है 114.4 bhp की 4000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर का 1500 rpm से लेकर 2750 rpm तक, ठीक है। इंजन स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए, और भाई इसकी इंस्टॉलेशन को जिस तरीके से की गई है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो हैं उनको ऊपर की तरफ रखा गया है, जिसकी वजह से भाई कार है तो पानी वगैरह भी आ जाता है, कभी अगर धोखे से डीप पानी में चले जाए तो कंपनी ने यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान रखा है कि जो इनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं उनको ऊपर रखा जाए। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कस्टमर को क्या चाहिए, कंपनी सपोर्ट अच्छा दे, अपनी R&D पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे, तो इसी वजह से गाड़ी की कॉस्ट जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, और कुछ नहीं। यहाँ पर ये इंजन ऑयल वगैरह चेक करने के लिए सब कुछ ऊपर की तरफ दिया गया है। अब ये खूब चलन चल रहा है भाई कि ऊपर से ये प्लास्टिक वाला लगा देते हैं, एकदम प्रीमियम कार देखे, इंजन प्रीमियम देखे, जैसा BMW ऑडी वगैरह में आता है उस टाइप से, मर्सिडीज वगैरह में, ठीक है। तो भाई फाइनली मैंने आपको इस कार के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस, किया कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई डीजल में ये लगभग 20 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी, फिर डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके सभी वेरियंट्स की। भाई इसमें मल्टीपल वेरियंट आते हैं, ये
ऑटोमेटिक में भी आती है, मैनुअल में भी आती है, आईएमटी में भी आती है और डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है। इसकी एक्सशोरूम स्टार्टिंग हो जाती है 10,90,000 रुपये से और ये इसका एसटीएक्स आईएमटी वाला वेरिएंट है। इसकी एक्सशोरूम प्राइस है लगभग 17,00,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये आपको 19,20,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आपके बल रफ आइडिया ही मानिएगा क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 5-10,000 रुपये लेकर चल सकते हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस कार से संबंधित आपकी क्या राय है और इसके साथ में यदि आपका कोई भी पुराना एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आप सेल्टोस को कंसीडर करेंगे या फिर क्रेटा को, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड अभी पर ही फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।